अभी हम पढ़ने वाले हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। देखो चैप्टर का नाम क्या है अपना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि जब किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उससे रिलेटेड हम यहां पर पढ़ते हैं। कौन से चैप्टर के अंदर? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, मतलब सर्कल से रिलेटेड यहां पर जो फॉर्मूलेज हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो या तो क्या करेगा वो फॉर्मूले से फॉर्मूला निकलवा के आपसे एमसीक्यू पूछेगा, या फिर वो क्या पूछ सकता है आपसे कि इनकी मतलब डायरेक्ट हम फॉर्मूलेस कुछ बनाएंगे और उनके बेस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे देखो अगर हम शुरुआत करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, अब आर्क का क्या मतलब है? देखो मान लिया कि कोई इस तरीके की ये आर्क है ना, अब देखो आर्क अगर मैं बात करूं पूरा का पूरा सर्कल, ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा सर्कल हो गया अपने पास में। अब देखो ये तो हो गया पूरा का पूरा सर्कल, लेकिन अगर मुझे क्या बनानी है, छोटी सी आर्क देखनी है, तो इस तरीके से एक आर्क होगी। ये आर्क क्या करेगी, सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, जैसे ये आपका सर्कल का सेंटर हो गया। तो अगर मैं किसी सिर्फ आर्क की बात करूं तो ये सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाती है। और मान लिया कि इस आर्क की लेंथ क्या है आपके पास में, L इस आर्क की लेंथ है और R क्या है इसकी रेडियस है, ठीक है, यहां तक की बात। R क्या होगी अपने पास में, रेडियस। अब तो अगर ऐसे केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन का 2 पाई या 2R कर लो, 2R इंटू में थीटा अपॉन का 2 पाई। ये वाला हमारा फॉर्मूला लगता है कब, जब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो ड्यू टू एन आर्क, ठीक है। ये तो आर्क के लिए होगी, जितना भी यहाँ पे एंगल बनेगा हम यहाँ पे पुट कर देंगे। मान लिया कि अगर ये किसकी बात करता, सपोज यहाँ पर क्या बन रहा होता आपके पास में, सेमी सर्कल होता, ठीक है। सेमी सर्कल कुछ कैसा होता है, ऐसा होता है, और जो सेमी सर्कल होता है ना वो सेंटर के ऊपर बनाता है 180 डिग्री का एंगल। कौन? सेमी सर्कल। और 180 डिग्री को क्या लिखा जाता है, 180 डिग्री को हम पाई से लिखते हैं, ठीक है। अगर और पूछा जाए तो 60 डिग्री को लिखा जाता है आपके पास में पाई बाय 3 से, 30 डिग्री को लिखा जाता है पाई बाय 6 से, 45 डिग्री को लिखा जाता है पाई बाय 4 से, और 90 डिग्री को हम लिखते हैं जैसे कि पाई बाय 2 से, 360 डिग्री को हम लिखते हैं किस से, 2 पाई से, ठीक है। अब हम तो क्वेश्चन वाले बात पे आ जाए, 180 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो यहां पर जैसे हम पुट करेंगे, जैसे म्यू नॉट आई अपॉन का 2R, थीटा की जगह पे कितना आ गया अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी सेमी सर्कल की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो थीटा हो गया पाई और नीचे क्या था 2 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, तो सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है, जैसे कि म्यू नॉट आई अपॉन का 4R, ठीक है। तो डायरेक्टली हो सकता है कि कोई फिगर दे रखी हो और उसके अंदर हाफ सेमी सर्कल बन रहा हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल जाएगी। अगर वो क्या बोल देता कि किसी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ये सर्कल हो गया, अब सर्कल कितना एंगल बनाता है सेंटर के ऊपर, 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब क्या है आपके पास में, 2 पाई। तो अगर पूरे सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो वो हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन का 2R, थीटा की जगह पे आ जाएगा 2 पाई, क्योंकि 2 पाई होता है 360 डिग्री के बराबर, और सर्कल पूरा का पूरा बनाता है 360 डिग्री का एंगल। तो सर्कल की वजह से आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन का 2R, ठीक है। यानी जैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगी आपके पास में, म्यू नॉट आई अपॉन का 2R, क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल निकालनी होती तो ड्यू टू सेमी सर्कल, तो फॉर्मूला क्या आ जाता, म्यू नॉट आई अपॉन का 4R। यानी एक फॉर्मूला पता चल गया तो हम उससे कोई भी इस टाइप के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2R थीटा अपॉन का 2 पाई। एक तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं, एक हमारे पास में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि मान लिया कि आपके पास में कोई चार्ज पार्टिकल है और वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ये कोई आपके पास में एक सर्कुलर पाथ है और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो यानी इसका सेंटर भी होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। क्या कर रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग
चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, तो हमें इसके भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली, और वो क्या होते हैं देखो। सबसे पहली बात तो जब आपके पास में एक हमने डेरिवेशन पढ़ी हुई है, एक रूल पढ़ा था बायोट सोवर्ट्स ला पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने बायोट सोवर्ट्स ला, क्या कहता है हमारे पास में, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था और वो फॉर्मूला क्या था, डेट dB is equal to, या फिर हम डायरेक्टली लिखें तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर होती है म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई आई डी एल साइन थीटा इंटू में आर स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, अब सर्कल के लिए जो dl होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सर्कल के लिए dl हो जाता है 2 पाई r के बराबर। तो जब हम पुट कर दें तो इस i तो करंट था, dl की जगह पे क्या आ गया 2 पाई r, और नीचे क्या आ गया 4 पाई इंटू में r स्क्वायर। साइन थीटा को हमने कुछ देर के लिए छोड़ दिया। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो एक r से एक r की वैल्यू डिलीट हो जाती है, इस 2 पाई से 4 पाई यानी 2 पाई, इसको 1 और ये 2 पे कट गया तो कितना बच गया 2 पाई आई अपॉन में 2r बच गया आपके पास में। ये मैग्नेटिक फील्ड निकल गई किसकी वजह से, सर्कल की वजह से, पीछे भी निकाल ली थी। अब यहां पर ध्यान दो कि आपके पास में करंट किसके बराबर होता है, चार्ज डिवाइड बाय में टाइम के बराबर, और टाइम किसके बराबर होता है, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि टाइम किसके बराबर होता है, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहां से अगर मैं पुट करूं तो मैं करंट को क्या लिख सकती हूं, यानी करंट को अगर मैं स्मॉल आई से भी लिखूं तो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इंटू में एफ के बराबर हो गया। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी को म्यू से लिखते हैं ना असलियत में तो, और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है आपके पास में, देखो ये चीज क्लियर होगी अपने पास में। अब देखो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में बराबर होती है जितना आप, पहले ये वाली चीज देखो, अगर मैं यहां पे क्या कर सकती थी, इसकी जगह पे मैं क्यू इंटू में एफ को क्या कर सकती थी, मैं पुट कर सकती थी। ठीक है, यहां तक की बात। अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो क्या आ सकता है अपने पास में, एक सेकेंड कहीं पे कंफ्यूजन तो नहीं हो गई है, नहीं 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 ठीक है भाई, ठीक है यहां तक की बात क्लियर होगी। यानी कि हम यहां पर इस फॉर्मूले को कैसे और लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई इंटू में के इंटू में म्यू अपॉन का 2r, मैं ऐसे भी इस वाले फॉर्मूले को लिख सकती हूँ, यानी कि एक फॉर्मूला अपना क्या हो गया, इस तरीके से डिराइव हो गया कि अगर वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में पूछे तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक की बात। अब देखो जो आपके पास में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका एक फॉर्मूला और होता है अपने पास में। अब वो फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में 2 पाई आर के बराबर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में 2 पाई आर के बराबर भी क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर मैं क्या कर सकती हूँ, फ्रीक्वेंसी को किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, तो यानी म्यू किसके बराबर हो गया वी अपॉन में 2 पाई आर के बराबर। तो यहां मैं फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या पुट कर सकती हूँ, म्यू अपॉन में हम 2 पाई आर को पुट कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली चीज भी क्लियर होगी आपके पास में। तो दो फॉर्मूले तो अपने पास में ये वाले बन गए। ठीक, या इसको ना अभी के लिए रहने दो, इसको हम नेक्स्ट वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। एक मिनट, कहां गया डस्टर। हाँ, ये वाली चीज क्लियर होगी। यहां से अपने पास में दो फॉर्मूले निकल गए, कौन कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, यहां तक की बात। अब देखो जब हम आगे चलते हैं ये चीज क्लियर होगी। एक आता है हमारे पास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्या आता है अपने पास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहां से भी दो फॉर्मूले बनते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है इसको हम एम सी रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, यहां पर आई इंटू में ए के बराबर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई इंटू में ए के बराबर होता है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो उसका एरिया किसके बराबर हो जाता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर अपने पास में। और अगर मैं आर को छोटा लिखना चाहती हूं तो ऐसे लिख सकती हूं, ये किसके बराबर हो गया आपके पास में, मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक फॉर्मूला अपने पास में ये भी बन गया।
ठीक है। अब अगर मैं आगे लिखूं तो आपके पास में करंट किसके बराबर था, चार्ज डिवाइड बाय में टाइम। टाइम किसका इनवर्स होता है, फ्रीक्वेंसी का, तो मैं इसको क्यू इंटू में एफ भी लिख सकती हूँ, या फिर फ्रीक्वेंसी के लिए असल साइन क्या होता है, म्यू। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई की जगह पे आपके पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू इंटू में म्यू इंटू में क्या आ गया अपने पास में, पाई आर स्क्वायर आ गया। तो एक रिलेशन अपने पास में ये निकल कर आ गया, ठीक है। या तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो आगे की साइड अगर हम चलते हैं यहाँ पर, तो एक रिलेशन ये चीज निकल कर आ गया कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी मैग्नेटिक मोमेंट को क्यू इंटू में म्यू इंटू में पाई आर स्क्वायर करके भी आप लिख सकते हो। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। आगे अगर हम चले यहाँ पर, तो ये बोलता है कि आपके पास में वेलोसिटी किसके बराबर होती है। वेलोसिटी हम कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय में टाइम के बराबर, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर चल रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सर्कमफ्रेंस के बराबर, यानी कि 2 पाई आर। और टाइम किसका इनवर्स होता है, फ्रीक्वेंसी का, तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख सकती हूँ, मान लिया मैंने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल लूँ तो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास में, वी अपॉन में 2 पाई आर किसके बराबर आ गया, फ्रीक्वेंसी के बराबर आ गया। यहां मैंने फ्रीक्वेंसी पुट करी थी, तो मैं इसको यहां पे और भी आगे लेकर जा सकती हूं कि मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, क्यू था, फ्रीक्वेंसी एफ, मैंने थोड़ा समझ में आ जाए इसलिए लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर आप चाहो तो इस फ्रीक्वेंसी की जगह पे एफ भी लिख सकते हो, एफ की जगह पे आ जाएगा वी अपॉन में 2 पाई आर, और यहां पे था पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में, पाई से पाई कट गया, एक आर से आर कट गया। तो ये जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली यूज में आता है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है किसी चार्ज पार्टिकल का, अगर वो सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा है तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है क्यू वी आर अपॉन में 2 के बराबर। ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखना, क्योंकि काफी बार डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स के अंदर पूछा जाता है कौन सा, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू क्यू वी आर अपॉन में 2। अब इससे ना एक डेरिवेशन और निकल कर आती है, मतलब एक फॉर्मूला और निकलता है जो पूछा जाता है। इस पूरे को रफ कर दो। आगे अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर आ गया, क्यू वी आर अपॉन में 2 के बराबर। अगर मैं यहां पर, अब देखो एक होता है एंगुलर मोमेंटम, एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, और एंगुलर मोमेंटम होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने एल के ऊपर वेक्टर का साइन लगाया। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। सर्कुलर के, अगर सर्कल के अंदर कोई चीज घूमेगी सर्कुलर पाथ में, तो एंगुलर मोमेंटम आएगा। ये एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को क्या कर दूं, मास से मल्टीप्लाई कर दूं और मास से ही डिवाइड कर दूं, किसी चीज को सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। अब यहां पर देखो क्या ये एम वी आर बन गया, और एम वी आर तो एल के बराबर था, तो क्या आ गया ये क्यू एल अपॉन में 2m। यानी अगर मैग्नेटिक मोमेंट हमको निकालना हो एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन में 2m, ठीक है। अगर ये l एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो ऐसे भी लिखा मिलता है, ठीक है। अपने पास में ये चीज क्लियर होगी, तो ये भी क्या निकल गया, एक मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। यहां तक की क्लियर होगी फॉर्मूला, कि एक फॉर्मूला आपके पास में क्या आ गया, ये ऊपर वाले को थोड़ा क्लियर लिख देती हूं, क्यू एल अपॉन में 2m। ये चीज क्लियर होगी अपने पास में अगर हमें एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में निकालना हो, ठीक है। यहां तक की बात, अगर हम थोड़ा सा और आगे इसके अंदर चले तो देखो हम क्या कर सकते हैं, ये चीज निकल कर आ गई तो एक फॉर्मूला हो गया अपना एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में, ठीक है। अब एक चीज और देखो इसके अंदर, इस पूरे को मैं रफ कर दूं, दो फॉर्मूले ये निकल कर आ गए अपने पास में। आगे हम चले तो देखो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो सर्कुलर पाथ के अंदर घूमेगा तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगी। कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, आप उस चीज को जरा देखो। ये चार्ज पार्टिकल था, घूम रहा था, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है और इलेक्ट्रॉन है, तो देखो इलेक्ट्रॉन की वजह से एक तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला होता है क्यू वी बी। क्यू चार्ज ऑफ पार्टिकल, वी वेलोसिटी, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो जाएगी फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने एफ वी लिख दिया सपोज, ठीक है।
अब कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसका अगर वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उसके ऊपर एक सेंट्रिपेटल फोर्स भी लगेगी, ठीक है। हमारे पास में सेंट्रिपेटल फोर्स कहां पर लगती है, सेंटर की तरफ, और सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² / r। ये भी एक फोर्स का फॉर्मूला हो गया, यानी जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पर घूम रहा होगा तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगी, एक मैग्नेटिक फोर्स और एक सेंट्रिपेटल फोर्स। दोनों की दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी तभी ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम पाएगा। तो अगर बैलेंस कर रही है तो क्या हो जाएगा, जो ये qvb है ये बराबर हो जाएगा mv² / 2 के बराबर। तो इस वेलोसिटी को हमने वेलोसिटी से काट दिया, तो यहां से अगर मैं क्या निकालूं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालूं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, mv / 2qb। अच्छा मैंने क्या लिख दिया, 2 कहां से ले आई मैं, अरे 2 नहीं, यहां पे तो r था ना अपने पास में, mv² / r था, तो ये क्या हो जाएगा mv / r³, क्या हो जाएगा आपके पास में, मैग्नेटिक फील्ड जो लगती है किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब वो सर्कुलर पाथ में घूमता है। और अगर उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज पूछ ले तो हम क्यू को इधर ले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, हाँ एक तो चार्ज पूछेगा तो चार्ज को ले जाओ, वैसे वो रेडियस ज्यादा पूछता है, तो अगर रेडियस चाहिए तो मैं आर को उधर ले जाऊंगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा mv / qb। ये वाला बहुत बार पूछा जाता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा है तो उस पाथ की रेडियस क्या होगी, तो रेडियस क्या हो जाएगी mv / qb। इससे एक फॉर्मूला और निकलता है, हम ये पढ़ते हैं ना कि आपके पास में एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, ये सिंपल अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, पी आपके पास में L होता है एंगुलर मोमेंटम, और P हमारे पास में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। और इस लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv के बराबर, ठीक है। यहां पर mv था हमारे पास में, अब एक चीज को नोटिस करो, P तो हो गया mv हमारे पास में, अब यहां पर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½mv² के बराबर। अगर इस वाले फॉर्मूले को मैं मास से ही मल्टीप्लाई कर दूं और मास से ही डिवाइड कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हाफ m का स्क्वायर v का स्क्वायर, तो मैं टोटल mv का स्क्वायर लिख सकती हूँ अपॉन में m, ठीक है। अब mv किसके बराबर था, डाइपोल के बराबर, तो मैंने p लिख दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर अपॉन में m किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है ना अपने पास में। तो यहां से मैं क्या करूं, अगर मैं यहां पर क्या निकालना चाहूं p की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी, 2m में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, 2m में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर, और स्क्वायर को उधर ले आऊं तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m में काइनेटिक एनर्जी, यहां पर पुट कर दूं mv किसके बराबर था, डाइपोल मोमेंट के बराबर, तो इस p की जगह पे क्या आ जाएगा, 2m में काइनेटिक एनर्जी अंडर द रूट अपॉन में qb। तो एक फॉर्मूला आपके पास में ये भी बन गया, यानी रेडियस को आप काइनेटिक